जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी की ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग इतना अद्भुत सत्संग है कि ये अपने आप में एक ऐसा सत्संग, मैंने भी आज तक ऐसा सत्संग अब तक नहीं सुना। रियली संगत जी, जब आंटी जी ने ये मेरे पास सत्संग भेजा अपलोड करने के लिए गुरुजी के इस चैनल पर, तो जब मैंने सत्संग को सुना तो मैं भी खुद अपने आप में हैरान था कि ऐसी लीला भी गुरुजी की होती है। मतलब इतनी अद्भुत लीला गुरुजी की, बहुत गजब की लीला, बहुत प्यारी लीला है गुरुजी की सत्संग के अंदर। आंटी जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपना सत्संग भेजा है। संगत जी, इस सत्संग के बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये पूरी गुरुजी की लीला आप आंटी के मुख से ही सुनिए। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी, और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है दिल्ली से काजल आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से काजल आंटी जी ने ये अपना प्यारा सा सत्संग शेयर किया है गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आप सभी को। मेरा नाम काजल है और मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। मेरा सत्संग ये है कि मैं गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में मार्च 2022 में लिया, और जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाया अपने यहाँ, मुझे पता चल गया था कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं और अब से अगर मेरे पे कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो गुरुजी उन सभी को अपने ऊपर ले लेंगे और मुझे इतनी पावर और हिम्मत देंगे कि मैं उन सबको बहुत अच्छे से फेस कर सकूं। मैंने गुरुजी से जब भी दर्शन मांगे, जब भी कुछ बोला कि गुरुजी ये चाहिए, उन्होंने मुझे उस टाइम वो दिया। और अभी एक दिन की बात है, मैं दोपहर को हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, और मुझे मंत्र जाप करते हुए नींद आ गई थी, और जब मैंने उठ के देखा तो मैंने एक बहुत ही अद्भुत चीज़ देखी कि जो मेरे रूम में गुरुजी का स्वरूप है वो अपसाइड डाउन हो गया। मतलब जहाँ फेस था वहाँ गुरुजी के चरण, और जहाँ चरण थे वहाँ फेस, जो उनका स्वरूप था वो उल्टा हो गया। और ये देख के मैं इतना शॉक हो गई कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई, कि ये चीज़ किसने करी, कैसे करी। मैं उठी, हाथ धो के आई और मैंने गुरुजी की फ़ोटो सीधी करी और मैंने माफ़ी मांगी कि गुरुजी अगर कुछ मुझसे गलती हुई है, कुछ और हुई है तो मुझे क्षमा करना, बट गुरुजी की लीला बहुत ही अद्भुत है। वो मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे कौन से कर्म काटे हैं, या गुरुजी मैं सो रही थी तो मेरे रूम में आए। ये गुरुजी की लीला एकदम ही निराली है। उनको मेरे साथ क्या करना है, क्या कष्ट काटने थे, क्या देना था, वो उन्हीं को पता है। बट मैं इस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए और मेरा हर पल पल साथ देने के लिए। और गुरुजी आपने सिर्फ मेरे को ही नहीं, मेरी फैमिली को एक ऐसा सपोर्ट दिया है कि मेरे फैमिली मेंबर्स भी बोलते हैं कि हमें एक ऐसी एनर्जी फील होती है, ऐसी पॉजिटिव वाइब फील होती है कि पता नहीं हमको किसी ने संभाल रखा है हमारे बुरे वक्त में। हर चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं आपकी कर्जदार पूरी लाइफ में रहूँगी। अनंतम शुक्राना, हर पल पल शुक्राना, हर सांस से शुक्राना
अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू।